मैं हूँ अर्चना और मेरी आज की रेसिपी है काबली चने का वेज कबाब। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। बच्चों से लेकर बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। आप इसको गर्मा गर्म चाय के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। एक हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए भी और टी टाइम के लिए भी परफेक्ट स्नैक्स है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया था 1 कप काबली चना और पूरी रात पानी में डाल के सोख होने के लिए रख दिया था। अब हम सोख किए हुए काबली चने को डालेंगे ब्लेंडर जार में। एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे रफली चॉप्ड किया हुआ, 10 से 12 करी लीव्स, थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती, 2 से 3 ग्रीन चिलीज और 1 इंच जिंजर का टुकड़ा डाल के डालेंगे नमक स्वादानुसार और बिना पानी डाले हम इसको दरदरा ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने दरदरा ब्लेंड किया हुआ है। हमें इसका फाइन पेस्ट रेडी नहीं करना है। मिक्सर को एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, आधा बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधा गाजर जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था और थोड़ी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच किचन किंग मीट मसाला पाउडर, आधा नींबू का रस। सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि मिक्सर को ब्लेंड करते टाइम ही मैंने नमक इसमें ऐड कर लिया था। अब हम मिक्सर को लेंगे और कबाब का शेप दे देंगे। इसी तरह करके सारे कबाब हम रेडी कर लेंगे। इसी बीच नॉन स्टिक तवे को हीट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे कबाब भी बन के रेडी हो चुके हैं। अब इनको केवल शैलो फ्राई करना है। तो तवा हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इस पर डालेंगे 2 छोटे चम्मच कुकिंग ऑयल और अच्छी तरीके से इनको हम फैला लेंगे, यानी कि स्प्रेड कर लेंगे, जिससे कि हम कबाब रखें तो नीचे से वो स्टिकी ना हो। अब हम इनके ऊपर रखेंगे रेडी किया हुआ कबाब और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। शैलो फ्राई करते समय फ्लेम को हम लो टू मीडियम हीट पे रखेंगे। इनको अच्छे से नाइस गोल्डन कलर में दोनों ओर से सिकने में टाइम लगता है 10 मिनट। हम दोनों ओर से पलट के इनको नाइस गोल्डन कलर में आने तक और कुरकुरा होने तक शैलो फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ओर से बहुत प्यारा कलर आया हुआ है। कबाब हमारा रेडी हो चुका है। हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और सर्व करेंगे गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन बटन, जिससे रेसिपी की नोटिफिकेशन